तो एमरजेंसी प्रोविजन्स है क्यों सर हमारे संविधान में ओके okay. ये किस लिए है सर इट इनेबल द सेंटर गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन या कोई भी आपातकालीन सिचुएशन अगर आ गई है गवर्नमेंट के ऊपर तो वो इन प्रोविजन्स का इस्तेमाल कर सकती है ठीक है ड्यूरिंग एमरजेंसी सेंटर बिकेम पावरफुल एंड स्टेट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर ओके इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इन टू यूनिट्री वन विदाउट अमेंडमेंट सर बिना किसी अमेंडमेंट के फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी फीचर में एमरजेंसी के दौरान ये चीज़ ध्यान रखना है सर ठीक है सर उसके बाद एमरजेंसी कितनी तरह की होती है एमरजेंसी तीन तरह की है सर नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 स्टेट एमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं अंडर आर्टिकल 356 फाइनेंशियल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ओके सो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल एमरजेंसी नेशनल एमरजेंसी एज यू नो अंडर आर्टिकल थ्री just keep this thing in mind that term national emergency was not mentioned in our constitution article number 352 mein sirf yahi mention hai that proclamation of emergency theek hai national emergency word mention nahi hai sirf word mention hai proclamation of emergency aur isi ko hi hum by default samajhte hain ki ye national emergency hai okay national emergency के sir grounds क्या हैं मतलब कि किन grounds पर declare किया जा सकता है कि भैया ये national emergency की situation आ चुकी है सबसे पहली बात कौन डिक्लेयर करेगा सर प्रेजिडेंट डिक्लेयर करेगा ग्राउंड्स कौन कौन से हैं पहला है सर वॉर दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रिबिलियन जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है अगर इन दो ग्राउंड्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसको बोला जाएगा सर एक्सटर्नल इमरजेंसी ओके और अगर आर्म ड्रिबिलियन इस ग्राउंड के ऊपर डिक्लेयर होगी नेशनल इमरजेंसी तब उसको बोला जाएगा सर इंटरनल इमरजेंसी ये चीज़ ध्यान रखने वाली है और वैन सेट प्रेजिडेंट सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ एन इमिनेंट डेंजर कि भाई कुछ खतरे की बात है ठीक है तो नेशनल इमरजेंसी ने वो डिक्लेयर कर सकता है इसमें एक चीज़ ध्यान नोट करने वाली है दैट तो कैबिनेट रिटर्न में रिकमेंडेशन देगी सर प्रेसिडेंट को तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी घोषित करेगा ये चीज़ ध्यान रखना सर कैबिनेट और कैबिनेट वर्ड पहली बार सिर्फ एक ही बार आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन हुआ कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ ध्यान रखना और किसी आर्टिकल में नहीं है ओके आगे पढ़ेंगे सर पार्लियामेंट्री अप्रूवल पार्लियामेंट अप्रूव कैसे करेगी और इसकी नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन कब तक होगी सर प्रोक्लमेशन ऑफ इमरजेंसी पहली बात या तो पूरे भारत हिंदुस्तान में लग सकती है ओके या फिर किसी पार्ट में लग सकती है और उसका रेजोल्यूशन पास करने के लिए चाहिए सर स्पेशल मेजोरिटी उसका रेजोल्यूशन पास करने के लिए यानी घोषणा करने के लिए और कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूटी के लिए उसकी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज पार्लियामेंट में ठीक है स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए ये वाली नॉट मोर देन टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस इसकी वैलिडिटी रहेगी सर छः महीने इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ छः महीने ही चल सकती है आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो और फर्दर एक्सटेंड करने के लिए भी यानी कंटिन्यूएंस के लिए भी आपको क्या चाहिए सर स्पेशल मेजोरिटी कैन बी एक्सटेंडेड टू इन पीरियड जितना मर्जी समय तक आप एक्सटेंड कर सकते हो विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट हर छः महीने बाद आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ठीक है थीके? उसके बाद आता है सर रिवोकेशन यानी खत्म कैसे करोगे इसको ख़त्म सर कभी भी कर सकता है एट एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साहब कर देंगे बाय सबसुंट प्रोक्लामेशन एक घोषणा करके इट डज़ नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए दूसरा केस ऐसा है सर अगर लोकसभा ने पास कर दिया बाई सिंपल मेजोरिटी रेजोल्यूशन कि इसको रिवोक कर दिया जाए देन प्रेजिडेंट मस्ट रिवोक ठीक है सिंपल मेजोरिटी बोले तो वन टेंथ और एटलीस्ट फिफ्टी मेंबर्स ऑफ लोकसभा पासिस द रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूविंग कॉन्टिन्यूएशन ओके लोकसभा सिर्फ पास करेगी रिवोक करने के लिए राज्यसभा की इसमें ज़रूरत नहीं है रिवोक करने में लेकिन डिक्लेयर uh, अप्रूवल और के लिए आपको दोनों हाउस की जरूरत है पार्लियामेंट के ठीक है और स्पेशल मेजोरिटी तो यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा जैसे रेजोल्यूशन का अप्रूवल करना है तो उसमें बोथ हाउसेस की चाहिए सर स्पेशल मेजोरिटी और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सॉरी और डिसअप्रूवल के लिए चाहिए अगर रिवोक करनी है तो सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है बाय सिंपल मेजोरिटी ओके जैसे आर्टिकल नंबर 352 में अगर सपोज डेट ऑफ प्रोक्लामेशन है फर्स्ट फर्स्ट 2020 विद इन वन मंथ विद इन वन मंथ आपको अप्रूव करना है यानी इकतीस एक दो हज़ार बीस तक और फिर इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो अप्रूवल डेट से रहेगी ठीक है सपोज इकतीस एक दो हज़ार बीस को अप्रूव हुआ है तो इसकी वैलिडिटी रहेगी यहाँ से छः महीने यानी इकतीस सात दो हज़ार बीस को और आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स में जैसे स्टेट एमरजेंसी होती है इसको सर आपने सपोज़ घोषणा होगी पहली पहली दो हज़ार बीस को तो दो महीने के अंदर आपको अप्रूव करना है और जिस दिन अप्रोक्लामेशन की डेट होगी मतलब जब घोषित किया जाएगा उस दिन से लेकर छः महीने स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है इसकी वैलिडिटी ऐसे होती है और फाइनेंशियल uh, इमरजेंसी में भी आपको दो महीने के अंदर अंदर अप्रूव करनी है घोषणा और उसके बाद कब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी अंटिल प्रेजिडेंट रिवोक जब तक प्रेजिडेंट नहीं खत्म करता ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट एमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी ठीक है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं सर आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है दैट प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनी और ऑल फंडामेंटल राइट जो जो मेंशन करेगा प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से आर्टिकल 359 में ये पावर है ठीक है बाय सेपरेट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 और बाई को छोड़ के सेपरेट प्रोक्लामेशन चाहिए सर इसके लिए अगर कोई भी बीस इक्कीस के अलावा कोई आपको फंडामेंटल राइट सस्पेंड करना है प्रेजिडेंट को आर्टिकल नाइनटीन अपने आप अप सस्पेंड हो जाएगा अगर एमरजेंसी इज ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन नॉट इन द केस ऑफ आर्म रिबिलियन आर्म रिबिलियन केस में नहीं सस्पेंड होगा ठीक है आर्टिकल 358 में ये मेंशन है जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन यानी आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए अलग से सेपरेट प्रोक्लामेशन की जरूरत नहीं है लेकिन कोई और फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने के लिए प्रेजिडेंट को अलग से सेपरेट प्रोक्मेशन की जरूरत है अंडर आर्टिकल थ्री ओके उसके बाद पढ़ेंगे सर इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सपोज इट सेंटर और स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है एग्जीक्यूटिव के केस में देखते हैं सेंटर कैन गिव एनी डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन एनी मैटर ओके और स्टेट जिससे क्या आ जाएगी अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर और लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाने की पावर मिल जाएगी सर पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट आउटसाइड विच इज़ आउटसाइड द लेजिस्टिव पावर लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली लेजिस्टिव पावर नॉट सस्पेंड इसमें स्टेट की लेजिस्टिव पावर सस्पेंड नहीं होगी ओके okay, और ये जो कानून बनाएगी पार्लियामेंट इट इट वुड बी इन ऑपरेटिव आफ्टर सिक्स मंथ यानी नेशनल इमरजेंसी के छः महीने बाद ये इनऑपरेटिव हो जाएंगे ठीक है और फाइनेंशियल सॉरी फाइनेंशियल रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दैट प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके एंड दिस विल कंटिन्यू दिस मॉडिफिकेशन विल कंटिन्यू टिल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही होगा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ ओके इट लेड बिफोर पार्लियामेंट, ओके okay. उसके बाद आता है सर लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिबली एक्सटेंडेड फॉर वन ईयर एट ए टाइम नो अपर लिमिट ठीक है और पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एक्सटेंड स्टेट लेजिलेटिव असेंबली टाइम ईयर एट ए टाइम नो अपर लिमिट फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है मैं पहले ही बता चुका हूं दैट आर्टिकल थ्री में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 जो छह फंडामेंटल राइट हैं ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड नो सेपरेट ऑर्डर रिक्वायर्ड फॉर देयर सस्पेंशन उसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ओनली देयर इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड ये चीज ध्यान रखना सर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल अदर देन अदर देन आर्टिकल नाइनटीन अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन इन प्रेजिडेंशियल ऑर्डर मैं पहले ही बता चुका हूँ दैट लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल ठीक है सर और व्हेन नेशनल इमरजेंसी सीज़ जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी एनी लॉ मेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इफ इट इज़ इनकसिस्टेंट विद स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट इट विल सीज़ अगर किसी फंडामेंटल राइट right का वो हनन करता है तो वो सर सीज़ हो जाएगा उसी टाइम ओके आर्टिकल 358 और 359 में क्या डिफरेंस है सर ये समझेंगे आर्टिकल 358 मैं पहले ही बता चुका हूँ दैट इट सस्पेंड आर्टिकल 19 ओनली और आर्टिकल 359 सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स और ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 19 वै नेशनल इमरजेंसी ऑपरेट्स और इसमें क्या होता है सर अदर फंडामेंटल रिक्वायर्ड सेपरेट प्रेजिडेंशियल ऑर्डर टू सस्पेंड और प्रेजिडेंट वो किसके सामने रखता है सर पार्लियामेंट के सामने रखता है अप्रूव करने के लिए ग्राउंड सर कौन से में ग्राउंड uh, है जिसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और इसमें सर आर्टिकल 359 में चाहे वॉर हो चाहे एक्सटर्नल अग्रेशन हो चाहे आमटर बिलियन हो इट इज सस्पेंड फॉर इंटायर ड्यूरेशन इट इज़ आइदर फॉर इंटायर ड्यूरेशन और फॉर शोर्टर ड्यूरेशन ओके जो बाकी फंडामेंटल राइट लेकिन नाइनटीन पूरी तरह सस्पेंड रहेगा जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी ओके इट एक्सटेंड्स इन एंटायर कंट्री इट एक्सटेंड्स इन एंटायर कंट्री और आइदर पार्ट इट इनेबल द स्टेट स्टेट में सर सब चीजें आएगी आर्टिकल नंबर ट्वेल्व में स्टेट की डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स की मेरी वीडियो देख लेना उसमें मैंशन किया हुआ है इट इनेबल द स्टेट टू मेक एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 का आप हनन कर सकते हो कोई भी ऐसा कानून बना सकते हो ये स्टेट को पावर मिलती है इसमें ओके okay. और इट इनेबल द स्टेट टू मेक एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन हुज इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी प्रेजिडेंट ने जिस कानून के हनन करने का ऑर्डर दिया सिर्फ आप उसी की इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हो ओके उसी के खिलाफ कोई ऐसा कानून बना सकते हो एग्जीक्यूटिव एक्शन घोषित कर सकते हो ओके नेशनल इमरजेंसी आपको पता ही होगा सर अभी तक हिंदुस्तान में तीन बार हो चुकी है पहली नाइनटीन सिक्सटी में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था ग्राउंड्स क्या थे इसके एक्सटर्नलाइजेशन नाइनटीन सेवेंटी में इंडिया पाकिस्तान वॉर आपको पता ही होगा बांग्लादेश की लिब्रेशन हुई थी सर मुक्ति वाहिनी एपिसोड ओके ग्राउंड्स एक्सटर्नल अग्रेशन नाइनटीन सेवनटी फाइव में सर इंदिरा गांधी एपिसोड वेरी फेमस एपिसोड ग्राउंड इसके थे इंटरनल डिस्टर्बेंस आप कहोगे सर इंटरनल डिस्टर्बेंस अभी तक तो आपने पढ़ाया नहीं सर इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले ग्राउंड था जो कि रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबिलियन से अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट के दौरान ओके okay? नेशनल इमरजेंसी के सर कुछ न्यूज़पेपर के की कटिंग्स हैं इसको देखेंगे हम 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी सर इंदिरा गांधी जी ने की थी इशूड बाय फकरुद्दीन अली अहमद अंडर आर्टिकल 352 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस ओके और एमरजेंसी रही थी सर 1975 से 1977 इंदिरा गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था भ्रष्ट इंदिरा गांधी त्यागपत्र दो ठीक है एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी और फेमस जो पॉलिटिशियन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था जे पी दत्ता मुरारजी देसाई अडवानी अशोक मेहता वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी गोट अरेस्टेड ओके उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन नेशनल इमरजेंसी इज चैल्ड इन कोर्ट नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है बिल्कुल सर किया जा सकता है मिनरवा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड मैलाफाइड मतलब अगर कुछ इलिगल या कुछ डिसऑनेस्ट आपने किया ठीक है होली एक्स्ट्रानीशियस एक्स्ट्रानीशियस मतलब अनरिलेटेड सर उस मुद्दे से अनरिलेटेड आपने ऐसी नेशनल इमरजेंसी की कोशिश कर दी और इरेलीवेंट फैक्ट्स ठीक है Absurd, absurd मतलब बिना लॉजिक के आपने कर दिया, ठीक है? और कहते हैं सर, ओके? Okay. तो उस केस में सर, नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट सर ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी पढ़ेंगे Thanks for watching. Please, please review, share and